सर जी तकरीबन तो सारे रिपेयर हो जाते हैं, पुराने से इनवरेक से टी सोलर है, मैक्स पावर, ओमेगा, सारे यूनिक वगैरह जितने भी सारे ब्रांड रिपेयर हो जाते हैं जी। ये मेरे पास मैक्स पावर का 5 किलोवाट का VM2 मॉडल कहलाता है, ये 09 के फॉल्ट में कार्ड से भी आता है, 09 का है, सोलर कार्ड से भी आता है, ये मेन बोर्ड से आता है। इसका जो फॉल्ट था वो मेन बोर्ड से आया था, इसके IGBT वगैरह आउटपुट नहीं लेता है। 09 में कहता ये है कि इसकी सप्लाई है जो ये ट्रांसफर IGBT वगैरह लगे होते हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं। अब इसकी IGBT वगैरह शॉर्ट थे, नीचे से प्रिंट वगैरह डैमेज थे, तो ये ऊपर से रिपेयर के डायबोर्ड पे हम इसको रख के चेक करते हैं। इस तरह सोलर कार्ड कहलाता है, ये इसका कंट्रोल कार्ड कहलाता है। ये टेस्टिंग पे लगा कर छोड़ा हुआ है, अभी ये देखें, ये इसकी आउटपुट में आपको शो कराता हूँ, इसकी इसकी कंडीशन भी दिखाता हूँ कि यहाँ बोर्ड में होल हुआ है। फर्स्ट तो ये आ गया, सेकेंड चीज ये है कि इसकी ये देखें, इधर से दिखाएं, और ऐसा नहीं मुख्तलिफ पार्ट्स लगे हुए, कैपेसिटर कहलाते हैं, चोपर कहलाते हैं। अलावा सारी कंपनीज के इनके पास जो है इन्वर्टर ये बनने के लिए आते हैं, ये देखें पावर का भी है, एग्जिट सारे जो इनके सारे रखे हुए हैं। ये भी रिपेयर हो गया, सप्लाई के मसले में था, इसको मैंने टेस्टिंग पे लगा के भी, ये इनके कंट्रोल कार्ड है, ये वोल्टेज, एम्पियर वगैरह, सोलर वगैरह सब हम चेक कर सकते हैं। देखिए पूरा थोड़ा ये थोड़ा बता सकते हैं किस तरह काम करता है आपका सिस्टम। ये इसकी आउटपुट है, हम लाइन सीरीज करना चाहें तो इसको इस तरह अप डाउन कर सकते हैं। तो इनके दौरान ये सप्लाई पे हम लोग ऑन करके देख लेते हैं। अब जैसे ये इन्वर्टर मैंने बड़ी बैटरियों पे टेस्टिंग पे लगाया हुआ है, अच्छा 5 KVA का, 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का जो भी इन्वर्टर है, ये 4 बैटरियां इसमें लगती हैं। असल दिवस कैसे आप लोग, मैं हूं जावेद सेतो, और एक बार फिर मैं आपके साथ में हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूं जिस जगह पे, यहां पे आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, यहां पे जो इन्वर्टर रिपेयर किए जाते हैं हर तरह की कंपनी के, फ्रोनस के, इनवरेक के, जो भी कंपनी के हैं। ज्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं होता, अगर उनके पास इन्वर्टर होते हैं खराब हो जाते हैं तो वो परेशान होते हैं कहाँ से सही करवाएं, क्योंकि एक कोई हल्का सा फॉल्ट भी होता है तो काफी महंगे पैसे, ज्यादा पैसे बताए जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको रिपेयर करवाएं या नया लें। उसी हवाले से इनके जो है रेट भी मुनासिब है, और ये हर तरह का आपको इन्वर्टर ठीक करके भी दे देंगे, हर तरह का कंपनी का, जिस भी कंपनी का है कोई भी इशू आता है वो आपको रिपेयर करके दे देंगे। बाकी इनसे पूरी डिटेल में मालूम आ लेते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा शेयर भी करें। अस्सलामुअलैकुम भाईजन। वालेकुम अस्सलाम भाईजन, अपना नाम बता दीगा। सर जी मेरा नाम मोहम्मद उजैर है। उजैर भाई, अपनी शॉप का एड्रेस बता दें। सर ये रीगल चौक, मेन रीगल चौक पे, शफीक टिक्का कोने पे, गली का सरमद रोड कहलाता है, ये सरमद रोड रीगल चौक, प्लाजे का नाम है मुइन आर्किड, शॉप नंबर G46। ठीक है, तो आपके पास किस तरह का काम होता है, क्योंकि इन्वर्टर के हवाले से आप इन्वर्टर को रिपेयर करते हैं तो किस तरह के फॉल्ट आते हैं, और ज्यादातर लोगों को आइडिया ये भी नहीं है कि इन्वर्टर बनते भी हैं नहीं बनते, अगर बनते हैं तो कहाँ पे बनते हैं, तो ये आपने अपनी शॉप का एड्रेस ही बता दिया, इनका नंबर भी वीडियो में मैं आगे नीचे लिख दूंगा, और बाकी इनसे मालूम लेते हैं। इसके बारे में बताइएगा किस तरह के ज्यादातर फॉल्ट आते हैं और कौन कौन से आप इन्वर्टर रिपेयर करते हैं कंपनियों के। सर जी तकरीबन तो सारे रिपेयर हो जाते हैं, पुराना से, इनवरेक से, टी सोलर है, मैक्स पावर, ओमेगा, सारे यूनिक वगैरह जितने भी सारे ब्रांड रिपेयर हो जाते हैं। जो पहले मेरा काम था 1 KVA से 10 KVA का, मैंने छोटे इन्वर्टर पे काम बंद कर दिया है, ठीक है। कम से कम मैंने स्टार्ट लिया हुआ है 3 KVA से, 3 KVA, 4 KVA, 5 KVA, 6 KVA, 8 KVA, जितने भी जो मॉडल आ रहे हैं सोलर वाले, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सब रिपेयर। और हमारे उसके हिसाब से आपके पास कोई आता भी है तो आप उसका छोटे का भी थोड़ा कर दीजिएगा हेल्प, अगर इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो आप ये कर रहे हैं ये आपका कौन सा सिस्टम है, उसके क्या काम कर रहे हैं? सर जी ये मेरे पास मैक्स पावर का 5 किलोवाट का VM2 मॉडल कहलाता है, ये 09 के फॉल्ट में। तो अब ये 09 फॉल्ट आवाम को थोड़ा बता दीजिए, कई किस्म का आता है, सोलर कार्ड से भी आता है, 09 का है, सोलर कार्ड से भी आता है, ये मेन बोर्ड से आता है। इसका जो फॉल्ट था वो मेन बोर्ड से आया था, नहीं मतलब थोड़ा 09 फॉल्ट में क्या इशू क्या आता है, जो लोगों को इसका IGBT वगैरह आउटपुट नहीं लेता है, आउटपुट नहीं वगैरह फॉल्ट में, तो किसी भी फॉल्ट में आउटपुट नहीं देगा, किसी भी फॉल्ट में आउटपुट नहीं रहेगा। लेकिन ये 09 में कहता ये है कि इसकी सप्लाई है जो ये ट्रांसफर IGBT वगैरह लगे होते हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं। अब इसकी IGBT वगैरह शॉर्ट थे, नीचे से प्रिंट वगैरह डैमेज थे, तो ये ऊपर से रिपेयर किया है मैंने। अच्छा रिपेयर किया है जी, अलहमदुल्ला भाई, इसको फाइनली अब चलाना है। अब इसको थोड़ा दिखाइएगा किस तरह इस पे क्या मीटर में क्या शो करता है, किस तरह होता है थोड़ा। ये रीडिंग इसकी शो कराता है, IGBT की वगैरह ये इसकी रीडिंग कहलाती है। ये डायबोर्ड पे हम इसको रख के चेक करते हैं, इस तरह ये इस तरह से ये जैसे ये IGBT है, ये हम ये सही है, यानी कि ये सही दिखा रहा है जी हाँ। तो इस तरीके से हर चीज की हर एक अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये क्या चीज है? जैसे ये इसका सोलर कार्ड कहलाता है, ये इसका कंट्रोल कार्ड कहलाता है। ये देखिए कंट्रोल कार्ड और सोलर कार्ड भी इनके मौजूद है, ये इनमें भी ज्यादातर इशू आता है जी हाँ। और नॉर्मली कितने से कितने खर्चे में जो होता है ये काम हो जाता है? मुख्तलिफ फॉल्ट के मुख्तलिफ खर्चा आता है, ठीक है, कम से कम 12,000, 14,000, 6,000, 8,000 जैसा फॉल्टों का, जैसे जिस तरीके का काम होगा, लेकिन ये रिपेयर हो जाते हैं। आप देखें ना, ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास एक पीस है, ये मैंने इसको
टेस्टिंग पे लगा के छोड़ा हुआ है। अभी ये देखेंगे इसकी आउटपुट में आपको शो कराता हूँ, इसकी पीस की कंडीशन भी दिखाता हूँ कि किस कितनी बुरी हालत में था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। अब ये देखें ये खुला हुआ, इसका बॉडी कौन सी है? मैंने इसको टेस्टिंग पे लगा के छोड़ा हुआ है ना, देखें टेस्टिंग पे, इसकी आउटपुट क्लियर आ रही है। अब मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ कि किस कंडीशन में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिपेयर हो गया है। ये देखें यहाँ बोर्ड में होल हुआ है, फर्स्ट तो ये आ गया, ये बोर्ड में होल हुआ है। सेकेंड चीज ये है कि इसकी ये देखें इधर से दिखाएं, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये चलेगा नहीं, कारण बदलने का काम प्रॉपर तरीके से करें, इंशाल्लाह ये कंप्लेन में नहीं आएगा। और ये क्या होता है, ये दिखा दीजिएगा इसमें क्या क्या लगा होता है इस तरह थोड़ा। ये देखिए ये क्या चीजें कहलाती है, जिससे ये मुख्तलिफ पार्ट लगे हुए, कैपेसिटर कहलाते हैं, चोकर कहलाता है, VDR रिले, सारी मुख्तलिफ ठीक है। और इसकी जो बाहर वाली बॉडी है वो कौन सी, ये वाली है बाहर, ये 15 किलो वाट का टेस्ला का पीस है, उसकी बॉडी बाहर रखी हुई है। ये कौन सी, ये वाली, ये बाहर सामने ब्लैक वाली। अच्छा ये देखें, ये बहुत बड़े साइज में जो है रखा हुआ, ये वाला है यहाँ फ्रंट से लिखा है। अच्छा ये देखें, ये वाला है, जी हाँ जी हाँ। अच्छा ये कितने वाट वाला है, ये 15 किलो वाट का है, ये 15 किलो वाट का जो आप देख रहे हैं इसका सिस्टम, ये देखें यहाँ पे रखा हुआ। उसके अलावा सारी कंपनीज के इनके पास जो है इन्वर्टर ये बनने के लिए आते हैं। ये देखें पावर का भी है, एग्जिट सारे ही जो इनके सारे रखे हुए हैं, ये सारे इसको रिपेयर करते हैं। इसके अलावा ये देखें सब कुछ इनके पास मौजूद है, किसी भी किस्म का फॉल्ट आता है ये आपको बनाकर। बाकी एक पीस ये है। अच्छा ये कौन सा वाला है, जैसे ये यूनिक है, यूनिक है। अच्छा यूनिक में ये भी आप रिपेयर कर चुके हैं। अच्छा इसमें क्या फॉल्ट है, रिपेयर हुए हैं बाहर जो है 09 है, अच्छा इसी में 52 था, तो मुख्तलिफ फॉल्ट में आए हुए थे। ये वाला ये भी रिपेयर हो गया, सप्लाई के मसले में था, इसको मैंने टेस्टिंग पे लगा के अभी छोड़ा हुआ था कि हमारे पास कोई मसला हो तो हमारे पास ही हो, क्लाइंट के पास। देखें ये भी देखें, ये इन्वरेस का है, ये इन्वरेस का भी इनके पास मौजूद है, हर तरह के आपको इनके पास मिल जाएंगे रिपेयरिंग के हवाले से, कोई भी शुआ। और ये जो चीजें आपके पास रखी हुई है क्या होती है? ये इनकी पीसीबी है, जो इनके अंदर पीसीबी होती है, ये आपने इनसे निकाली हुई है या अलग से आपके पास होती है? ये अलग से भी है, जो बहुत से हम पार्ट्स के काम में ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। बहुत से इन्वर्टर होती है, बहुत से रिपेयर होके हमने जैसे ये शॉपर में ये रिपेयर करके हमने पैक करके रखी हुई है, ये पार्ट्स भी इनके पास मौजूद है, हर तरह के आपको ये पूरा रिपेयर कम हो जाएगा। और ये ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ पे हमारे बनेंगे। ये जैसे ये वाला है, ये कौन सा, जैसे ये टी सोलर के टेस्ला के नाम से टी सोलर, ये भी रिपेयर करेंगे। ये देखिए इनके पास सारे ये लगे हुए, कोई भी आपके पास आता है तो इशू तो आप इनके पास लेके आ सकते हैं। ये इनके कंट्रोल कार्ड हैं, ये हमने अपने काम के लिए रखे हैं, मुख्तलिफ मॉडल के मुख्तलिफ कार्ड हैं। ठीक है ये देखें ये, और ये जो आपका पूरा सिस्टम पे दिखा रही है, क्या दिखा रहा था इसी के वाले दिखा था, वोल्टेज एम्पियर वगैरह सोलर वगैरह सब हम चेक कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए पूरा, थोड़ा ये थोड़ा बता सकते हैं किस तरह काम करता है आपका सिस्टम? ये इसकी आउटपुट है, हम लाइन सीरीज करना चाहें तो इसको इस तरह अप डाउन कर सकते हैं, तो हर किसी के पास अपने हिसाब होता है। तो इधर से सोलर के वोल्टेज हमने निकाले हैं, ठीक है। देखिए पूरा सेटअप लगा हुआ, ये पूरा सेटअप ये जहाँ से प्रॉपर तरीके से चेक किया था, ऐसे नहीं कोई जुगाड़ी काम नहीं होता। ये इनके पास यहाँ पे देखें सिस्टम लगा हुआ है, जिसपे ये पूरे वार्ड वोल्ट सब इनके पास चेकअप चेक होता है। और ये किस तरह की बैटरी है जो आपके पास रिपेयर हुई है या साथ है, क्या है ये? ये हम जब इन्वर्टर को रिपेयर करते हैं तो एक तो इस बैटरियों पे भी चेक करते हैं, क्योंकि फिर एक ये सप्लाई है, सप्लाई पे भी रिपेयरिंग के दौरान ये सप्लाई पे हम लोग ऑन करके देख लेते हैं। तो चेकिंग के बाद जब फाइनली हम इसको टेस्टिंग पे लगाते हैं तो ये मेरे पास सेट पूरा ये बड़ी बैटरी अभी है। अब जैसे ये इन्वर्टर मैंने बड़ी बैटरियों पे टेस्टिंग पे लगाया हुआ है, ये देखिए छोटी बैटरियों पे ऑन करने के बाद में फाइनली लोड वोड डाल के अच्छी तरह तो बड़ी बैटरियों पे हम चेक करते हैं, क्योंकि छोटी बैटरियां लोड नहीं उठा पाती हैं, तो ये वजह तो बाद में हम बड़ी बैटरियों पे। ठीक है, जैसे 15 KV वाला दिखा है, तो इसके लिए कितनी बैटरी की जरूरत होती है इसको चेक करने? 5 KV का, 5 किलो वाट का या 10 किलो वाट का जो भी इन्वर्टर है, ये 4 बैटरियां इसमें लगती है। 3 किलो वाट में 2 बैटरियां आती है, 4.2 फोरोनस का आता था उसमें 2 बैटरियां लगती है, तो इस तरह 2 KV में तो 2 बैटरियां लगती है। ठीक है ये देखें, ये इनके पास पूरी ये बैटरियां भी लगी हुई हैं, आप इनको जाएंगे प्रॉपर आपको चेक करके देंगे। तो इसकी कोई वारंटी होती है बनने के बाद कुछ दिन की या क्या क्या चक्कर होता है? जी हाँ सर जी, रिपेयरिंग के हम 2 से 3 दिन की चेकिंग वारंटी देते हैं, सेम फॉल्ट के, सेम फॉल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें कई किस्म के फॉल्ट आते हैं, मुख्तलिफ फॉल्ट आते हैं, तो जिस फॉल्ट पे हम काम करेंगे उसकी 2 से 3 दिन की चेकिंग वारंटी रहेंगे। आप जो है अपना व्हाट्सएप का नंबर ही बता दीजिएगा ताकि आपसे कोई आसानी से रब्ता कर सके। सर जी मेरा नंबर है 0334-6832-919, ठीक यही मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है ये इसकी क्या सर्विस हो रही है? जी सर ये देखो सर्विस की जा रही है इसके बाद, ठीक।